पांडे जी वो लड़की का पता चल गया। अच्छा वो दहीसर चेक नगर के पास जो मॉल है वहाँ गई है, मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ, आप भी फटाफट वहाँ पहुँचो। ठीक है हम लोग दहीसर चेक नगर आते हैं। नोटू काका क्या है? अरे सेठ जी आप मेरा फोन बार बार क्यों काट रहे हैं? क्योंकि मुझे किसी तांत्रिक के पास नहीं जाना है। अभी आपको कोई तांत्रिक के पास जाने की जरूरत नहीं है, वो लड़की जो आपको बेवकूफ बना के मोबाइल लेके गई थी ना। हेलो सेठ जी, फिर काट दिया। किधर है वो फ्रॉड लड़की? अंदर बाथरूम में, लेडीज बाथरूम में घुस जाइए। अरे क्या घुसो? अरे आप वर्दी में, आप तो कहीं भी घुस के किसी भी मुजरिम को आसानी से पकड़ सकते हैं, घुस जाइए बिंदास। यू आर राइट जेठा, अगर मैं अंदर गया ना तो मैं अंदर हो जाऊंगा। आप अंदर जाएंगे तो आप ही अंदर हो जाएंगे ना। अरे जेठा अंदर गया वो चिल्लाई बच्चों बच्चों क्या हो गई? बासुंदी का फोन, तेरे वजह से मेरी बैंड बज रही है। बैंड नहीं बेल बज रही है। चुप, फालतू जोक मारना बंद करे तो एक चाटा मारूंगा। सॉरी सॉरी। कट गया, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि बासुंदी का फोन अपने आप कट गया। वो लड़की कब आएगी? कभी आएगी वो मैं कैसे बता सकता हूँ, कहाँ से आएगी वो बता सकता हूँ, वही वो लेडीज बाथरूम में से आएगी। अच्छा, तो उसने क्या पहना है? उसने गुलाबी कलर का वो टॉप पहना है। हाँ? और नीचे है ब्लू कलर की जीन पैंट। गुड कॉम्बिनेशन, ब्लू कलर की जीन्स और गुलाबी कलर का टॉप, वेरी गुड। मैं यहाँ रहकर उस पर नजर रखता हूँ, तू वहां जा। और सुन, जैसे वो आएगी मुझे इशारा करना, लेकिन हाथों से नहीं आंखों से। अच्छा, ऐसे नहीं? नहीं। ठीक, जा मुंह मुंह। आई लड़की ने गुलाबी टॉप और ब्लू जींस तो पहना है। नहीं नहीं, उसी में मुझसे गड़बड़ हो गई। वो क्या है कि वो जब भी बाथरूम में गई तो मैंने उसको पीछे से ही जाते हुए देखा, तो मुझे लगा ये वही लड़की है, लेकिन अभी जब आई तो उसका चेहरा देखा तब पता चला कि ये वो लड़की नहीं है। एक मिनट, हाँ बोल दो। टप्पू के पापा, हम लोग मॉल में आ गए हैं, आप कहाँ हो? क्या हम लोग मॉल में आ गए हैं। अरे इतना धीमे से क्यों बोल रही है?
अरे वो छोटी मल्लिका को पता ना चले ना इसलिए। मैं और चालू जी पांडे जी हम दोनों इधर पहले माले पे, तुम लोग भी आ जाओ जल्दी पहले माले पे। ठीक है। क्या हुआ? टप्पू के पापा पहले माले पे हैं। चलो। हाँ। किसका फोन था? मेरी बासुंदी का। हाँ? मतलब मेरी मेरी बीवी का। अच्छा। वो भी आई है। सॉरी है वो। बबीता जी नमस्ते। सॉरी आपको तकलीफ दी। क्या जीजा जी आप भी फॉर्मेलिटीज कर रहे हो? कहाँ पे वो लड़की? वो इधर किधर मॉल में है, मैंने उसको देखा लेकिन अभी पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। तो चलो ना जल्दी से उसे पकड़ते हैं। पर वो दिखती कैसे है? क्या पहना है उसने? वो दिखने में आपकी तरह गोरी है, मतलब आपके जितनी नहीं, आप तो ज्यादा गोरे है, आपसे थोड़ा कम गोरी है। लंबे खुले बाल है काले, और ब्लू कलर का जीन पैंट पहना है, और ऊपर वो गुलाबी कलर का टॉप पहना है। आज तो मैं उसे ऐसा पाठ पढ़ाऊंगी ना कि टप्पू के पापा तो क्या किसी के भी पापा को बेवकूफ बनाने की हिम्मत नहीं करेगी। जेठालाल, ये फ्रॉड लड़की वाला केस तुमने कितने लोगों को सौंपा है? नहीं नहीं, एक्चुअली उसने मेरा नाम लेके इनसे फ्रॉड किया था, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। और मैं तो इनकी पत्नी हूँ, तो मैं तो आऊंगी ही ना। नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। इतने देर से आप लोग आपस में बात कर रहे थे, तो मैंने सोचा मैं अभी कुछ बोल दूं। कोई बात नहीं, हम लोग सब मिलके पकड़ेंगे। लेकिन यही खड़े रखे तो हम उसको पकड़ नहीं पाएंगे। एक काम करते हैं, हम चारों अलग अलग दिशा में बढ़ जाते हैं और उसको ढूंढते हैं। परफेक्ट। ठीक है ना? चलो चलो चलो। इधर नहीं, इधर तो लेडीज बाथरूम है, इधर राहुल भाई क्रिकेट खेल रहे हैं, इधर ही जाना पड़ेगा। क्या करता है? टप्पू के पापा, लुच्ची मल्लिकारी मिली? हाँ हाँ, देखो देखी। कहाँ है? अरे वो नाश्ता लेके कोर्ट में बैठी है। कोर्ट में? अरे वो मॉल में, वो किधर वो खाते हैं नाश्ता, खाते हैं ना, कौन सा कोर्ट? वो फूड कोर्ट। हाँ, फूड कोर्ट में बैठी है वो। टप्पू के पापा, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। अरे तू जल्दी आ, वरना वो नाश्ता करके कोर्ट में से निकल जाएगी। भाई जल्दी आ तू। हाँ बोल दे। सेठ जी, मैं नटवरलाल प्रभात शंकर उदाई वाला हूँ। नट्टू काका। नट्टू काका क्या है, क्यों बार बार फोन करके परेशान कर रहा हूँ? मुझे नहीं जाना किसी तांत्रिक के पास। आपके तांत्रिक के बिना वो फ्रॉड लड़की मिल गई है। अरे सेठ जी, वो लड़की फ्रॉड नहीं है, वो तो बड़ी ईमानदार निकली। आज सवेरे ही मोबाइल का 36,500 रोकड़ा दुकान पर देकर गई है। क्या?
सेठ जी वो लड़की फ्रॉड नहीं है, बड़ी ईमानदार निकली। आज सवेरे ही मोबाइल के 36,500 रुपए दुकान पर देकर गई है। नटू काका ये आप मुझे अभी बता रहे हैं? अरे सेठ जी यही बात बताने के लिए तो मैं कब से आपको फोन कर रहा हूँ, लेकिन आप हैं कि मेरी बात बिना सुने ही मेरा फोन काट ही रहे हैं। नटू काका मैं क्या करूं आपका? पगार बढ़ाइए। फिर काट दिया। हे भगवान, दया और सभी, वो ईमानदार इज्जतदार लड़की पे हमला बोलने जा रहा है। नहीं नहीं रुको रुको दया। अरे तू क्यों रुक गया? तू जा, तभी वो लोग रुकेंगे। दया लेटर ओके या बाय। जी पहचाना मुझे? नहीं। अरे अपनी फ्रेंड को इतनी जल्दी भूल गई? कौन सी फ्रेंड? ये प्रीका मोबाइल में मीठी बातें सुनाई देती है। नहीं प्रीका मोबाइल व्हाट? दया भाभी फ्री किडिंग फ्रॉड की मोबाइल। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? ओहो एक तो खुद फ्रॉड करती हो, ऊपर से एटीट्यूड दिखाती हो। हां क्या बकवास कर रहे हो आप लोग? देखो भगवान ने तुम्हें इतना अच्छा रूप दिया है, बुद्धिशाली भी लगती हो और अच्छा घर की भी लगती हो, तो मेहनत करके क्यों नहीं जीती? ऐसे छेतर पिटी करके झूठ बोलकर क्यों मोबाइल लेती हो? शट अप। तू शट अप। अभी पुलिस आएगी और तुम्हें पकड़ेगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा। तुम लोग ये क्या बोले जा रहे हो? तुम लोगों की ये स्टूपिड बातें मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। पुलिस भी आ गई। इंस्पेक्टर साहब ये लोग कब से मेरी इंसल्ट किए जा रहे हैं, पता नहीं क्या बकवास कर रहे हैं। कुछ बोल नहीं रही हूँ तो सर पे चढ़े जा रहे हैं। आप इन लोगों को अरेस्ट कर लीजिए। मैडम अरेस्ट तो मुझे आपको करना पड़ेगा। मुझे? मुझे क्यों? क्योंकि आप पर चीटिंग का केस है। चीटिंग? चीटिंग और मैं? आप जानते हैं मैं कौन हूँ? बबीता जी नमस्ते। सॉरी आप? हाँ मैं। सॉरी सॉरी मैडम वेरी सॉरी। पुलिस अपने जान पर खेलकर मुजरिम को पकड़ती है और ऐन वक्त पर मेन गवाह ही पलट जाता है। टप्पू के पापा आप इससे क्यों सॉरी कह रहे हैं? अरे इससे नहीं इन्हें बोलो दया, और सिर्फ मुझे नहीं हम सबको इन्हें सॉरी बोलना चाहिए। अरे क्यों? क्योंकि अभी अभी नटू काका का फोन आया कि वो मोबाइल का 36,500 मल्लिका मैडम आज सुबह ये दुकान में जमा करके आए। सॉरी बेन। सॉरी। अच्छा तो आप सब लोग मुझे मिलकर फ्रॉड समझ रहे थे, और मैंने आपसे कहा था ना कि कल मैं मोबाइल के वैसे दे जाऊंगी, और अगर आपको भरोसा नहीं था तो आपने मोबाइल उधार क्यों दिया? क्यों दिया भाई? फिर नहीं नहीं आप पे विश्वास था इसलिए तो आपको मोबाइल उधार दिया, लेकिन फिर आपने झूठ बोला कि आप बबीता जी के फ्रेंड है, इसलिए फिर ये सब हमने भागा दौड़ी की। क्या झूठ बोला मैंने? बबीता मेरी फ्रेंड है। अरे पर मैं कहां आपकी फ्रेंड हूँ? अरे आप मेरी फ्रेंड नहीं है। अरे? मतलब आप बबीता जी के फ्रेंड हो लेकिन बबीता जी आपकी फ्रेंड नहीं है। अच्छा तो आपका नाम भी बबीता है? हाँ। अरे आपका नाम भी नहीं, इनका ही नाम बबीता जी है। अरे मेरी फ्रेंड का नाम भी बबीता है, बबीता गांगुली। ओ सॉरी मुझे लगा आप हमारे वाले बबीता जी के फ्रेंड है। अरे जेठालाल क्या दुनिया में एक ही बबीता है? दूसरी बबीता नहीं हो सकती? जो तुमने मान लिया कि ये इन्हीं बबीता की बात कर रही है? नहीं नहीं हो सकते हैं, लेकिन क्या है वो दुकान में जब भी अपने वो दोस्त के साथ बात कर रहे थे ना, तो जिस तरह से बात कर रहे थे
मैं क्या हमारे गोकुलधाम सोसाइटी का कोई भी सदस्य सुनता तो वो यही मान लेता कि ये हमारे वाले बबीता जी से बात कर रहे। अच्छा, ऐसी क्या बात इन्होंने कह दी? इन्होंने बात ये की कि या हाय बबीता, ठीक हो बे? अच्छा बबीता, मैंने सुना है कि शरद पूर्णिमा की रात को कुछ प्रॉब्लम हुआ था क्या? अरे ना बाबा, तेरा घर मेरे घर से इतना दूर है कि मुझे आने को होता ही नहीं। दूर नहीं है, अरे गोरे गोरे कितना दूर पड़ता है। बोलिए। हाँ, मेरी फ्रेंड बबीता गांगुली और वो भी गोरेगांव ईस्ट में रहती है। और आप वैसे मुझे टप्पू के पापा ये अपना क्या समझ लिया? I'm extremely sorry about all this. It's just a case of misunderstanding, that's it. मल्लिका जी, फिर से sorry. देखिए, किसी पे विश्वास करो तो पूरा विश्वास करो, वरना ऐसे किसी पे विश्वास ही मत करो। वाह मल्लिका जी, ये आपने बहुत बड़ी बात कह दी। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं जीवन में हमेशा याद रखूंगा। चालू जी, पांडे जी। मल्लिका बहन, आप प्लीज हमें माफ कर दीजिए ना, प्लीज। ओके, थैंक यू। थैंक यू। लेकिन मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। दया बहन, आज इनकी वजह से कोल्हापुर जाकर मेरे साले को जो सरप्राइज बर्थडे गिफ्ट देना था वो कैंसिल हो गया। मेरी बीवी और बच्चे स्टेशन से घर लौट कर आ गए। पता नहीं आज मेरी बीवी मेरा घर पर किस रूप में स्वागत करेगी। देखा, फिर उसी का फोन आ गया। हेलो बासुंदी। बासुंदी, उनकी वाइफ का नाम है बासुंदी। साले का नाम लड्डू है। उनके ससुर की मिठाई की दुकान थी। है शायद। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ बासुंदी, अब मैं घर आ रहा हूँ। मतलब अब मैं आ ही रहा था, अब निकला। थैंक यू जेठालाल। थैंक यू। कमाल हो गया, मेरे साले को जो कोल्हापुर जाकर मैं बर्थडे का सरप्राइज गिफ्ट देने वाला था, वही साला मेरा लड्डू मुझे सरप्राइज देने के लिए मेरे घर आ गया। मुबारक हो, मुबारक हो। नहीं तो क्या है जेठालाल, वो कोल्हापुर जाना पड़ता थी, एक केस को सॉल्व करना, इसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाता था। नहीं नहीं, अच्छा हो गया, चलो अभी बासुंदी बाबी ठंडे भी हो गए होंगे ना। पता नहीं किसने कहा है, पर सच ही कहा है कि ऊपर वाले के घर देर है पर अंधेर नहीं। बिल्कुल, और अभी इसके पहले कि अंधेरा हो जाए आप जल्दी घर पहुंचिए। क्या केक भी लेके जाए? हाँ हाँ, लेके जाएंगे केक, लेके जाइए, ऐसा बोल रही है। चलो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसमें अच्छा क्या हुआ दया? अरे टप्पू के पापा, हम कितने दिनों से शॉपिंग करने के लिए आने का सोच रहे थे, तो ये मोबाइल के बहाने यहाँ आने का मौका मिल गया। टप्पू के पापा, हम लोग यहाँ शॉपिंग करते हैं, आप दुकान जाइए। लो नट्टू काका का ही फोन है। हाँ नट्टू काका, आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ, दुकान ही आ रहा हूँ, ठीक है। ये औरतों को शॉपिंग का नाम आया नहीं कि गायब। दे दे दे।
दोस्तों जिस तरह सारे देश को सचिन के 100वें शतक का इंतजार है, मुझे मेरे मित्र परम मित्र जेठालाल की जिंदगी में शांति का इंतजार है। जिंदगी में शांति तो होती नहीं। अब देखिए ना, जिस लड़की को चीटर समझ रहे थे, मोबाइल लेके जो चली गई थी वो तो ईमानदार निकली, खोदा भाड़ निकली चुईया। खैर, मल्लिका ने तो जेठालाल, बबीता जी और दया भाभी को माफ कर दिया, लेकिन किस्मत मेरे मित्र को कब माफ करेगी? जब भी मौका मिलता है किस्मत एक आध तमाचा आके जड़ी देती है। भाई इन दिनों एक चर्चा बड़ी जोरों पे कि भारतीय खुदरा बाजार में ये जो विदेशी स्टोर्स हैं ये इन्वेस्ट करेंगे या नहीं, आएंगे या नहीं। भाई ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन गोकुल धाम में बिना आमंत्रण मुसीबतें जरूर इन्वेस्ट हो जाएंगी अपने आप स्वतः। लेकिन आपके लिए कोई चिंता नहीं, यहाँ जितनी ज्यादा मुसीबतें आपके लिए उतनी ज्यादा हंसी। बस हंसते रहिए और मेरे साथ देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और ये सोचते रहिए कि अगली कहानी, अगली मुसीबत क्या आने वाली है आपके लिए ठाके ही ठाके। हेलो दोस्तों, आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट सबसे पहले चाहिए ना, तो चलिए यूट्यूब सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें।